मेरा नाम पी लावण्या है, केजीबीवी अलीपुर मंडल चिनापुर जिला सिद्दीपुर। सभी को नमस्कार। आज के हिंदी की डिजिटल कक्षा में सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस चित्र से संबंधित कुछ बातें करेंगे। आइए बच्चों, इस चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उनकी चेहरे पर खुशी दिखाई दे रहा है। देखिए, यह लड़की जो मिट्टी में खेल रही है, खिलौने टूटे फूटे हैं फिर भी आनंद से खेल रही है, उसका मन खुशी से झूम उठ रहा है। यह लड़की सुंदर भी है और हंसते हुए उसका चेहरे पर हसमुखी दिखाई दे रहा है। वह समझ रही है कि मैं एक फल या सब्जियां बेचने वाली हूँ। जो सामने बैठा हुआ लड़का है वह हंसते हंसते यहाँ सब्जियों का खेल खेल रहे हैं। तो उन दोनों में कितनी खुशी दिखाई दे रही है बच्चों, देखिए। बच्चों, आपको इन चित्रों को देखकर पता चला ही होगा कि बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। ना ही उनके पास बहुमूल्य वस्तुएं हैं, ना कपड़े हैं, फिर भी अपना जीवन सुखमय बना रहे हैं। बच्चों, आपको पता चला होगा कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। बच्चों, आपने इस पद्यांश को पहले पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज मैं उसी पद्यांश से संबंधित भाग दो और तीसरा पद्य मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है मेरा जीवन। इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बच्चों, मैं यहाँ पद्यांश पढ़ूंगी, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आशालोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वलियत मेरी असफलता के धन। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे। विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बच्चों, अब पद्यांश को सुनते समय आपको कठिन शब्द यानी नए शब्द आपको दिखाई दिया होगा। आप हम सब इन नए शब्दों को जानकारी लेंगे। नए शब्द। मुझे आशा है कि हम छुट्टियों में इस बार दिल्ली जाएंगे। आशा का अर्थ है उम्मीद। मुझे उम्मीद है कि हम छुट्टियों में इस बार दिल्ली जाएंगे। आशा का अर्थ क्या है? उम्मीद है। दूसरा कठिन शब्द है आलोकित। आलोकित का अर्थ है प्रकाशित करना। प्रतिक्षण। घड़ी की सुई प्रतिक्षण समय बताती है। दूसरा क्या है यहाँ पर? स्वर्ण सूत्र। यानी स्वर्ण सूत्र का अर्थ है सोने का धागा। वलयित। वलयित का अर्थ है घेरा हुआ। दूसरा है असफलता। असफलता का विलोम शब्द क्या है? सफलता। समझो बच्चे आपको। दूसरा है सुनहरे। सुनहरा का अर्थ है स्वर्ण जैसा रंगों वाला। बच्चों, अभी हम जो पद्यांश पढ़े हैं उसका उस पद्यांश का हम भावार्थ जानेंगे। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतीक्षित, है स्वर्ण सूत्र से वलित मेरे असफलता के धन। यानी इसका भावार्थ है मेरे जीवन को हर पल उम्मीद प्रकाशित करती है। मैंने अपनी असफलताओं को भी एक मूल्यवान संपदा मानकर इसे सोने के धागे में बांध रखा है। समझो बच्चों। अच्छा, दूसरा जो पद्यांश है इसका, सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे। विश्वास प्रेम साहस जीवन के साथी मेरे। मेरे जीवन को हमेशा सुख रूपी बादल घेरे रहते हैं और मेरे सच्चे साथी विश्वास प्रेम और साहस।
इस पद्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने असफलता की बात की है। असफलता यानी हमारे जीवन में हर पल उम्मीद की प्रकाश रहती है। मैंने अपनी असफलताओं को मूल्यवान संपदा मानकर उसे बांधकर रखा है। यानी हमें जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आने दो, उसे हमें हिम्मत से उसकी सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि हर एक मनुष्य को जीवन में अपनी मुश्किलों की सामना कर कर ही हमें आगे जाना चाहिए और हमारा जो भी कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए। तो दूसरी पंक्तियों में कहती है कि मेरे जीवन में हमेशा तीन मित्र हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे मित्र साथी बहुत रहते हैं, फिर भी जो भी है हमें हिम्मत देने वाले यहाँ पर कौन है? विश्वास, प्रेम और साहस। यही हमें मित्र बनाकर अगर हम ठान ले तो हम भविष्य में और कुछ कर सकते हैं, हमारे जीवन खुशहाल बना सकते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि कितना भी मुश्किल आने दो, हमें उसका सामना करना चाहिए। कैसे? कितना भी प्रेम पूर्वक, तो यानी हमें प्रेम पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। दूसरों को भी हम प्यार से समझाना चाहिए। इसका यही मतलब है कि कवयित्री कहती है कि हमें हर एक का सामना करते हुए हमारे कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। धन्यवाद।